ரமோஹங்காரம் ரமோ சித்தாரம் ரமோ ஆயிரம் ரமோ வச்சாயாரம் ரமோலோயே சவசாஹுரம் சுத்தாத்மானே காந்தம் சாதுமுத்தம் மங்களம் வந்தே சந்தஷ்டு சித்தர்த்தம் சந்தஷ்டர்த்த பிரகாஷ்கம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதம் கணே மங்களம் குந்து குந்தாத்யோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மங்கலம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயினம் ஜெயது சாசனம் ஜே ஜாயா ஜானி கஹே கம்ம கலங்கரஞ்சனமயோபரமப்பணமே நமசுமயசாராய சுவானூத்தாச்சாசத்தை பாவாய சர்வாவாந்தரட்சதே. ஜப ஆத்மா கா அனுபவ ஆதா ஹை तब और कुछ अच्छा नहीं लगता. ये वस्तुनिष्ठ कथन है. अब आत्म अनुभव कब आए जब, तो इतरे तरह से दोष नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा बोलो? ऐसे नहीं कहने से काम थोड़ी चलेगा. क्यों नहीं आएगा? आत्मानुभव आवेगा तब और कुछ नहीं सुहाएगा. जब और कुछ नहीं सुहाएगा तब आत्मानुभव आएगा. तो फिर इतने तरह से दोष क्यों नहीं आएगा? बोलो पहले क्या करना चाहिए? हैं? देखो टोटरमल जी ने सम्यक दर्शन के चारों लक्षण लिखे. देखिए चार लक्षण देव सास गुरु का यथार्थ सिद्धांत जीवादिक तत्वों का सिद्धांत स्वपर भेद विज्ञान और स्वानुभव पूर्वक आत्मसिद्धांत. क्या लिखा? यहाँ होते हैं वहाँ युगपत चारों होते हैं, नहीं होते वहाँ एक भी नहीं होता. सब मिथ्या आभास. इसी प्रकार लिखने इस प्रकार लिखने के बाद फिर क्या लिखा? जिन्हें सम्यक प्राप्त करना हो इन्हें अनुक्रम से अंगीकार करना चाहिए. अनुक्रम से पहले देवसाज गुरु का सिद्धांत करो. अब तुम अनुक्रम नहीं करते, देवसाज गुरु से कुछ मतलब नहीं, अहंकार में आ गए, बस अपना पढ़ना लिखना करना, पढ़ना लिखना करना और अपनी कल्पना से चलना. अब बिगाड़ तो हो गई. इसमें आश्चर्य क्या, रास्ता उल्टा पकड़ा. जो अपनी कल्पना से इलाज करेगा वह रोगी निरोगी कैसे होगा? उसका तो रोग बिगड़ेगा. अगर तेरी मान्यता सही होती तो फिर आज तू संसार में क्यों होता? सुखी क्यों नहीं होता? दुखी क्यों होता? तेरी प्रवृत्ति विषयों में क्यों जाती? परिग्रह में क्यों जाती? जब तक अपने सिर माथे नहीं रखेगा देव गुरु को, तब तक तेरे कल्याण का मार्ग तुझे समझ में नहीं आएगा. भटकता रहेगा मन. सिर माथे का मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. जो कहते हैं तो उसे कहें तुम स्वाध्याय करो, बस स्वाध्याय करो. कुछ दिमाग मत लगा, मन नहीं लगता. अरे लगे या न लगे स्वाध्याय करो, चुपचाप पढ़ो, पुराण पढ़ो पढ़ो. इनसे क्या हो जाए, तो हमने पढ़ लिया, ये तो हम जानते. हाँ बस अब समझ, अब नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे.
सबसे पहले आज्ञा सम्यक तो होता है 10 प्रकार, आज्ञा मानना, और आज्ञा मानना नहीं है या घर चले जा चले जा चले जा। अरे कह रहे होंगे तो सोच समझ करके कह रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे। जाओ मने जाओ, बैठो मने बैठो, आओ मने आओ, उठो मने उठो, खाओ मने खाओ, नहीं खाओ मने नहीं खाओ, बात करो, ये होती है आज्ञा मानना। जब तुम्हारी अलग से इच्छाएं हैं, अलग से तुम सोचते हो और अलग से करते हो, तो फिर कौन कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। हमारा मन है, हमारा भाव है, तुम्हारा भाव अलग से। अरे भारत में तुम बैठे हो, भारत में यहाँ स्त्री का अलग से कोई अभिलाषा नहीं होती। अलग से अभिलाषा चलने वालों की देख लो क्या हो रहा है, देख लो, महीना दो महीना छह महीना में तलाक की नौबतें आ रही। हम भी तो कुछ हैं, तुम कुछ हो तो जा भटको, कुछ क्यों हो, अहंकारी हो, मिथ्या अहंकार है तुम्हारा। टोटमल जी लिखा ये शब्द बोलो तो, ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन है। अब तुम सोच लो, अनुक्रम से अंगीकार करना, पहले देवसास गुरु में अपने को सौंप देना। दासो हम हुए बिना उदासो हम कैसे होगा, दास भगवंत के उदास रहे तो हम पे नहीं होती गुलामी। हम भी तो कुछ हैं, हम क्या समझते नहीं है, हमें अपना हित हित नहीं आता समझ में आ रहा, हम इतना भी नहीं जानते। बस अब तो अब नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो लो तुम्हारा पुण्य है तो उन्होंने चाहे कुछ कर ले, सोच ले कि किसी का देखो कोई कुछ नहीं कहता, देखो कुछ नहीं हो रहा, देखो अपने ठीक है, हम अपने आराम से चल रहे हैं, अपने हिसाब से करे। लेकिन जब पाप का उदय आएगा एक ठोकर नहीं बर्दाश्त कर। दासो हम हुए बिना उदासो हम की सीढ़ी कहां से आ जाए, उदासीनता आ ही नहीं सकती। चित्त विषयों में जाएगा जाएगा, रुकेगा नहीं। विषय माने कोई स्त्री विषय संबंधी नहीं, खाने पीने में देर देर मन भटकेगा, ऐसा मिल गया, अब थोड़ा कमजोरी है, थोड़ा घी चाहिए, थोड़ा बादाम चाहिए, थोड़ा फलाना चाहिए, भीतर भीतर जलोगे। हम आपसे कितनी बार कहते देखो ईर्षा से मत जलो, नहीं तो अग्निकाय में बनो, अग्निकाय में जाओ। विषयों की चार रूपी दाह में मत जलो, नहीं तो अग्निकाय हो गए जाकर। नहीं हमें नहीं है अभिमान नहीं है, जब हम कह रहे तुम्हें अभिमान है, तुम कैसे कह रहे अभिमान नहीं है हमारा। तुम्हारी मुद्रा बताती हो, तुम्हारी वचन बताते हो, तुम्हारी चेष्टा बताती हो, और अज्ञान भी है ये भी वचन बताते, जरा सा एक प्रसंग में निर्णय नहीं ले पाते, किसी एक प्रसंग में निर्णय नहीं ले पाते। नहीं अभिमान नहीं, तो अभिमान नहीं तो क्या है तुम बता। और जितने निर्णय लेते विपरीत निर्णय, हमें कोई मतलब नहीं, ये निर्णय लिया तुमने, हमें कोई मतलब नहीं। अपन अपने आराम से पूजा करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो, आराम से। और इस निर्णय का फल क्या होगा, जब तुम्हारी उपेक्षा होगी खाने पीने में बोलने चालने, सोई तुम घबराओगे फिर, अब क्या करें, हमसे कोई बोलता नहीं, हमें कोई समझता नहीं, हमें कुछ करता नहीं, हमारे साथ उपेक्षा होती है। कहीं अब क्यों आराम से करो ना, तुमने निर्णय लिया ना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, तो अब जब तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, अब तुम क्यों घबरा रहे, अब क्यों मन मन भावे मुड़ी बुलावे, अब क्यों सोचते हो कि हमसे कह चुका है, हमसे कोई कह चुका है, कहा कहे भैया क्यों कहे,
अरे संग से तो बाद में निकलने की बात आती है, पहले हृदय में से निकल जाता है ना। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें निर्दोष आचरण के पालन करने में उत्साह नहीं है, अपने दोषों को छोड़ने में उत्साह नहीं है, दोषों को कहने में भी उत्साह नहीं है, और अगर इधर उधर से कोई कहे तो उसके प्रति द्वेष भाव आता है तो हमारे हमसे क्या प्रयोजन है, निकल जाओ हमारे संग, भटको अकेले। ये जो श्रावकाचार का वचन है देखा तो जब कुएं में गिरने चली गई स्त्री, असंतोष की जड़ है कुएं में गिरने चली गई, पीछे पीछे पहुंचा, हे भगवान, भगवान का नाम लेकर के कुएं में गिर रही है, भगवान, कभी तुमने भगवान को भगवान समझा, भगवान क्या कहते हैं अब तुम बता दे, तुमने हमें समझाई क्या, हम क्यों बता दें, अपनी हां कराने के लिए, अपना पोषण कराने के लिए चले आए, अब तुम बता दे, तो आप बता आप किया क्या। अरे तुम्हारा ये बहुत गंदी, अगर मानना है तो पूरी मानो, नहीं मानना तो बिल्कुल हट जाओ, मानना है तो फिर आज्ञा तो हम दे देंगे, करो प्रतिज्ञा कि बिल्कुल हाँ प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं चलती जो मायाचारी की प्रतिज्ञा नहीं होती, कल एक सच्ची घटना ही है, चर्चा चल रही थी एक प्रसंग पुराना, बोले भैया ऊपर ऊपर से दिखावा करते, भीतर तो कपट का परिणाम है, तब क्या करे, दुख कैसे मिटे, इनका दुख दूर हो कैसे, भीतर तो कपट का परिणाम है। चार छह प्रसंगों में हम देख चुके, बोले ठीक है ऊपर ऊपर से तो खूब कहते हैं चाहते हैं, लेकिन भीतर तो वो कपट का परिणाम है, अंतरंग में जी भाव नहीं है, तुझे बुलाने का भाव ही नहीं, तुम सोचते हो तुम्हारा कपट छिपेगा, नहीं छिपेगा किसी से, परमेत्व गुण है उस पर्याय में कि नहीं, परमेत्व गुण का रूप कैसे छिप जाएगा, केवल ज्ञानी जानेंगे, निमित्त ज्ञानी भी जानेंगे, अवध ज्ञानी मन पर ज्ञानी भी जानेंगे, अनुमान ज्ञानी भी जानेंगे, अद्वैत ज्ञान लेता है, और तुम नहीं 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 से क्या होता है, नहीं नहीं हम तो ठीक है, ठीक है तो मुद्रा पर प्रसन्न होना चाहिए, दुखी क्यों, नासा की दृष्टि होती है या वितरागता होती है, नासा की दृष्टि क्यों नहीं, विचार तो करो, ये तो भाई निर्गंथ मार्ग है, वो शब्द अच्छा नहीं, इसलिए नंबर नग्नता का मार्ग, नंगे हो जाओ, छिपाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ये मार्ग नहीं मिल सकता, ये ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है, पर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, कल कही थी गंदगी हो जाए तो अब दिवाली में साफ होगी कि नहीं, के सवेरे साफ होगी, ये तो कर्मचारियों का वेतन भोगी कर्मचारियों का उत्तर हो सकता है, आलसियों का उत्तर हो सकता है, लेकिन अवैध कपड़ा उतारे बद में साफ करे दूसरे पहन खत्म, ये कोई स्वच्छता प्रिय व्यक्ति का उत्तर नहीं हो सकता, अब वो कल देखेंगे, अब तो नहा लो, कैसे करें कहा करें, अरे कैसे कहा करें, कपड़ा उतारे फिर उठा फेंक दी साफ कर दी, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, हो जाओ नंगे ना, ये तो निर्गंध मार गया बिल्कुल नहीं, अनुक्रम से अंगीकार करना, देव गुरु को माथे रखना, बिना पूछे कोई काम मत करो, अब पूछने की अगर पूछने की भावना है
तो प्रतिज्ञा करो पहले बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे, नहीं इच्छा के अनुकूल कार्य बिना पूछे करेंगे और फिर बैठ बाद में पूछो लगाएंगे। और जो भी पूछ लगाएंगे तो अपनी कहलवाने के लिए, मानने के लिए नहीं। ऐसे जीव कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है तुम वेश बनाओ, क्रिया करो, वह घर छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, जब तक मिथ्या तो नहीं छोड़ा है। इस मोह को छोड़कर प्रथम रस को पियो। कर्म कहते हैं इनको कर्म, वैसे ही जिनागम में कर्मों का वर्णन नहीं है, कहीं के नहीं रहते, एक हिंदी में जाकर के चला गया लिव ठिकाना, चक्रवर्ती जाकर के सुबह में कहां पहुंच गया, साथ में नरक में। कर्म कहते न उन्हें ज्ञान है, न उन्हें दया है, न उनमें कर्तृत्व की शक्ति है, लेकिन कर्म का उदय होने पर उस प्रकार की परिणति निमित्त नियमित रूप से सहज रूप से होती है। कर्म जनित अवस्था और तुम्हारी अगर शास्त्र में रुचि कम लगती है तो एक कोरा रजिस्टर और पेन लेकर के जाओ, घूमे आप पूरे देश में, विदेश में, इसका कोई भी अपवाद बता देना, कोई भी अपवाद बता देना। पुण्य के उदय से पैसा मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, भोग संयोग मिल सकते हैं, सब हो सकता है, लेकिन बिना तत्व ज्ञान के, बिना गुरु आज्ञा को माथे रखे हुए शांति नहीं मिल सकती। भीतर जलता है, भीतर भीतर जलता है। ठीक है तुम्हारा पुण्य उदय, तुम्हें तुम्हारे लिए भीड़ इकट्ठी हो गई, पैसा इकट्ठा हो गया है, सब भोग संयोग मिल गए, तुम्हारे टीवी में निकल पड़े, तुम्हारे चित्र बन कर गए, प्रवचन पहुंच गए, सब हो गया, देश विदेश में सब जय जयकार हो रही, लेकिन अंतरंग शांति के लिए शांतता शब्द मत लिखा करो, शांति लिखा करो खाली, अच्छा लागव होना चाहिए। शांतता कठिन शब्द समझ नहीं पाएंगे, शब्द तो सही है व्याकरण से, लेकिन शांति और शांत विशेषण हो गया। एक दिन हमने देखा था बोर्ड पर शांतता, शांति सरल शब्द है। जो करना है जो करना है सो करो, नहीं जिससे हमारा कल्याण हो वह करना चाहिए। हमारे सारे निर्णय हमारे हित अहित की ओर से पर दृष्टि रख करके होना चाहिए, हमारा हित चित में बस। वर्तमान परिणाम के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं करने की बात लिखी है, तो वर्तमान परिणाम के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं छोड़ने की भी बात समझ लेना चाहिए। आज तुमने कोई नियम लिया और परिणाम तुम्हारे चल बुचल हो रहे, छोड़ दे, अरे परिणाम तो स्थिर हो जाएंगे, वहां में कसी दम नहीं है, लेकिन फिर वो जो लेने खड़ी हो जाएंगे उनको क्या करोगे ये बता। वो प्रतिज्ञा छोड़ देगा, परिणाम को स्थित नहीं करेगा, स्थितिकरण लिखा है कि छोड़ने के लिए लिखा है ये बता। अगर छोड़ने के लिए तेरा बल बढ़ता है, छोड़ दो, छोड़ो भैया, अपन पर बनती नहीं, सरती नहीं, पलती नहीं, तो समझ लेना समय नहीं है, माने देव सास गुरु का तो ये सिद्धांत नहीं है। छोड़ने की बात क्यों करता है, स्थितिकरण लिखा है, छोड़ने की कहां लिखा है, हमारा मन नहीं लगता है तो छोड़ो, अपन प्रवचन नहीं कर रहे। अच्छा जी लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, कहां लिखा बोलो, स्थितिकरण करना, इसमें हमारा हित है, नहीं तो तेरा जीवन परमादी हो जाए। दीनता आ जाएगी अहंकार की जगह, अपन अकेले बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, आज तो कर लोगे, दो दिन कर लोगे, तीसरे दिन ऐसे ऐसे उठ जाओगे, न यहाँ का स्वाध्याय होगा सामूहिक का, न अकेले का होगा, नहीं करके देख लेना, हमने देखे बहुत देखे।
सीधा जहाँ व्यवहार हो चाहे निश्चय हो, जिन वचन है अन्यथा अन्य प्रकार नहीं हो सकते, उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। अमृत का स्वाद अनुभव करके आस्वादन करके लेने लायक है। तुम कह रहे हो अमृत बहुत अच्छा होता है, हाँ ठीक है तुम्हारी भरोसा है हमें, हाँ ऐसा नहीं स्वाद का। और जहर का स्वाद नहीं, हम तो चख क्या देखेंगे हैं? एक पंडित जी थे, अब तो त्यागी हो गए, बोले 20-22 वर्ष की उम्र की बात बता रहे, बोले हमने सोचा घर गृहस्थी संसार में दुख है, हम अनुभव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऐसो प्रैक्टिकल भाव कितने के नहीं रहे, विवाह भी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, लड़की कहीं अजन में चली गई, लड़का का कुछ ठिकाना अलग हुआ, वो अरे हुआ चार ऐसी घबराए अंतर चलो भैया प्रैक्टिकल कर गया। जहर का स्वाद लेकर के देखेंगे, जी जाने झूठी तो नहीं कह रहे। अरे तुम स्वाद लेकर देखो, मरेगा कौन फिर का देखोगे? अगर सेवा में मन नहीं लगाओगे तो स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, सुन लो कान लगा, साधना में मन नहीं लगेगा। अनुभूत मार्ग है या अनुभूत नुक्से है ये? शरीर से बैठी रहने का मतलब थोड़ी बैठी है, शरीर से परे रहने से थोड़ी आराम मिल जाएगा। अपन आराम कर रहे, आराम मन का आराम हो तब तो आराम मिला भैया। भक्ति करो जब का मतलब कहा जाता है अपने पापों को दूर करने के लिए, संकटों को दुखों से बचने के लिए, तो भक्ति का मतलब गाना नहीं होता, विषय कषायों का त्याग भी होता है, आलस्य प्रमाद का त्याग होता है, अभिमान का त्याग होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं है, अपनी मनमानी का त्याग होता है। वो साहब हम वहां गए थे, नहीं भक्ति करो तुम, भक्ति से संकट कटेंगे। जिसने तुमने संकट मान लिया, बे संकट नहीं है, तुम्हारे भीतर जो संकल्प विकल्प चल रहे बे है संकट। तो भक्ति करने का मतलब ले बैठ जा चौकी धर के, दिया धर के बस भक्ति होने लगी। ऐसे जीवों के कितने संकट कटे और कैसे कटे गए देख रहे हो आंख उठा के। धार्मिक अनुष्ठान भी बिना न्याय नीति के, मिथ्या तो अन्याय अवक्ष के त्याग के, आलस्य प्रमाद अभिमान आदि के त्याग के बिना धार्मिक अनुष्ठान कार्यकारी फलवती नहीं होती। कर लेना तुम तो, विधान करो भी नहीं, विधान तो करो, अभिमान छोड़ के करो, लौकिक कामना छोड़ के करो। हो जाए भक्ति करो, भक्ति बस भक्ति हो। मैंने इतना ज्यादा पढ़ाई कर ली, सबकी परिभाषाएं अपनी कल्पित बनाए बैठे, स्वाध्याय करो मैंने पढ़ो ले पढ़ाई, भक्ति करो मैंने गाओ ढोलक बजा, ढोलक भी बजती है भक्ति में, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे बस भक्ति और कुछ काम मत करो, और सब बंद करो, जो दूसरों पर छोड़ो जो व्यवस्था, हम अपने भक्ति करेंगे। ये भक्ति है, ये स्वाध्याय है। सबसे पहले कर्तव्य का पालन सीखो, सेवा में मन नहीं लगेगा, उत्साह नहीं होगा, तो स्वाध्याय में पूजा में उत्साह नहीं आ सकता, आपको कभी नहीं आए। सेवा को तुम मरे मन से करोगे, काम मरे मन से करोगे मजबूरी में, और स्वाध्याय में मन लगे, पूजा में मन लगे, नहीं लगेगा तुम्हारा। वैसे ही उदास से बैठी रहोगे, न कुछ समझ में आएगा न कुछ होगा, वो मां तो भारी हो जात, मां तो भारी हो जात, मां तो भारी भारी, तो तुम्हारा कर्तत्व का अहंकार कर रहा है ना। ऐसा कर लिया अपन, वो बैल ने कहा घोड़ा से, वो घोड़ा ने बैल से भूल गए, घोड़ा ने बैल से कहा को जी हल में जुते रह, कह दिया तबियत खराब है, उसने कह दिया ठीक है
तो वो समझता था बोली मैनेजर उसका साहब, वो बैल तो उठ नहीं रहा, बोली तबीयत खराब लगा थे ना, सानी खा रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, घोड़े को जोत लो साथ, एक तो बैल है ही, दूसरा घोड़ा जोत लो साथ। जब घोड़ा को जोतने पर तब बात समझ में आई, तो अब समझा फिर कह दो बैल से, ए आज तेरह बहनों चले हो कल नहीं चले हो, राजा कह रहे थे अगर जे नहीं ठीक हो रहा तो या भैंस भी कसाई को बेटा चले जाओ करिया हो। तो हरी आए देखो कैसा चाला घोड़ा है। तो ऐसे दिमाग मत चलाओ, हमारा मतलब ये कह रहे हम, तो हमें आते ही नहीं, आते ही नहीं, आज नहीं आता, आज सीख लेना चाहिए। जी अच्छा लगा रे, हमने हमारी अच्छी नहीं लगा। अच्छा अच्छा उस ये चाल टूल कर देखो, आज सीखो। ये चालाकी किसी को दूसरे को नहीं ठगेगी, इससे अपना पतन होगा, बहुत बहुत पतन होगा। ऊपर ऊपर सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, सब बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा, माने दुख बढ़ता जाएगा। तो पहले आत्मानुभव आएगा कि पहले विषयों से विरक्त आएगी, क्या होगा? कि भैया स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं आएगा। पहले तत्व निर्णय के बल पर विरक्तता होगी, निर्णय के बल पर विषयों से, तो अनुभव होने पर सम्यक विरक्तता होगी। हमने एक दृष्टांत दिया था ना, विवाह का मतलब ये नहीं है चाकाओं को हाथ चाकू को पकड़ ले, बस विवाह हो गया हाथ पकड़ लो, ऐसे नहीं विवाह होता। विवाह के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा पहले। अरे हस्ती हो, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, और ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, विवाह से पहले ही सभी कर्म हो गए तो क्या हो वो? विवाह से पहले ही अगर तुमने ब्रह्मचर्य को भंग कर दिया तो होगा क्या ये बता दो? लोक में निंदा होगी, शरीर बिगड़ जाएगा, रोगों का घर हो जाएगा, खटपट होगी, तुम्हारा मन पहले ब्रह्मचर्य आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम है। अब तुम ब्रह्मचर्य को नहीं पालना चाहते, भले गूढ़ ब्रह्मचारी है, वो प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी की तरह उसका आचरण वेश कुल नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन पहले ब्रह्मचर्य चाहिए। विवाह विवाह का मतलब ये थोड़ी होता है, और विवाह की क्रिया इतनी होगी, वो मंडप पर कन्या का हाथ, तो भी कन्या का हाथ, कन्या अपने हाथ से हाथ नहीं देगी पति के हाथ में। अरे हमने ना देखे, हमने नहीं देखे विवाह मंडप, भैया हाथ नहीं देखे, हम तो पूछ रहे तुमसे, सही कह रहे गलत कह रहे बोलो, कन्या का हाथ कौन देगा? कौन दे? और वो बढ़ करके कन्या का हाथ नहीं पकड़ लेगा मंडप में भी, माने सबरी सगाई हो गई, सबरी बातें हो गई, सबरी तय हो गई, लेकिन विवाह से सगाई के बाद भी विवाह होने तक मर्यादा में रहना होगा कि नहीं ये बता। इनको अनुक्रम से अंगीकार करना, स्वाध्याय करो, विषयों का स्वरूप विचार करो, निर्णय करो सुख है कि नहीं है। ज्यादा पढ़ाई और ज्यादा एंगल यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ तो एक ही एंगल चाहिए, हमको अपना हित करना है, हम आत्मा है,
अब चलो आगे क्या कर रहे। अखबार और टीवियों के दृष्टांत और बिगड़े लोगों के दृष्टांत ये काम नहीं चलता। संसार में दुख है इस आधार से जो मोक्ष मार्ग में लगना चाहता है वह नहीं लग पाए। आत्मा में सुख है इस आधार से आत्मा में लगे तब काम चलेगा। ये रास्ता गलत है इसलिए ये सही है ऐसा नहीं समझ लेना। ये रास्ता भी गलत है, ये रास्ता भी गलत है, ये रास्ता भी गलत है, तीन गलत है, ये है सही। संसार में दुख है ये भी बात तेरी मान्यता खोटी है, संसार में सुख है ये मान्यता तो खोटी है ही, लेकिन संसार में दुख है ये मान्यता भी खोटी है। दुख तेरी विपरीत कल्पनाओं में है। अनुकूलता प्रतिकूलता की बात करो तो भैया पुण्य उदय प्रमाण अनुकूलता सब जगह है। घर गृहस्थी में खूब टाइम मिल जा कहो तो, और निवृत्ति में भी कहो टाइम नहीं मिले, वहां भी मन लग जाए यहां भी मन लगे, मोह की मंदता में वहां भी मन लग जाए घर गृहस्थी में रहने वाले, और यहां भी मन न लगे मोह की तीव्रता में। तत्व निर्णय के बल पर जब श्रद्धान होता है, निर्णय के बल पर श्रद्धान होता है तत्वों का, तब सम्यक्ति के सन्मुख होता है, और स्वानुभव होता है तब सम्यक्ति होता है। भीतर से लगना चाहिए इदम वेद सम बात तो ठीक है, यही है सचमुच बात सही है, ये भूल पकड़ में आना चाहिए तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कचरा भरा हो तो दूध कैसे भरा जाएगा उस बर्तन में, कचरा निकाल के फेंको भाई तब वो दूध भरा जाएगा उसमें। आपको एक बात कही थी याद है, मां का दूध पीने के लिए 9 महीना पेट में रहने पाए, समझ में आया। आत्मा का अनुभव आनंद पीने के लिए जिन वाणी का अभ्यास 1-6 महीना उपदेश मेरे मान रहे, त्रियंचों का गर्भवास 6 महीने का होता है, त्रियंचों का भी सिंगनी का दूध पी सकता है। हाँ सिंह का बच्चा बनना पड़ेगा सिंगनी का दूध पी देगा, गीदड़ का बच्चा सिंगनी का दूध क्या पिया पी सकता है, गाय का ये बताए तुमने पढ़े ना, गाय का दूध सिंगनी का बच्चा और सिंगनी का बच्चा गाय का, क्या कहते हैं सिंगनी का बच्चा गाय का दूध और गाय का बच्चा सिंगनी का दूध पी रहा है। लेकिन ये बता गाय का बच्चा सिंगनी का दूध पचाएगा कैसे, पचाएगा कैसे, और सिंगनी के बच्चा को गाय के दूध से क्या होगा, पेट कैसे भरेगा। तुमको हंसी आती है, है? देखो मोक्ष मार्ग एक शास्त्रों में नहीं है, मोक्ष मार्ग यहाँ देखो वस्तु का स्वभाव है उसका नाम धर्म है। पाप से दुखी होता है तुम देखो पाप से दुखी होता है कि नहीं होता, बताओ कौन एक पापी जीव को सुखी बता देना हमें, हम मान लेंगे। पुण्य का उदय हो उसको वैभव भोग संयोग हो और कल्पना से अपने को सुखी मानता हो बस वो उसकी हम नहीं सुनेंगे, नहीं। पाप के उदय में पाप से कोई सुखी होता हुआ बता, सुखी तो नहीं होगा, सुखी की कमीज पहनने से सुखी नहीं होगा, सुखी की दृष्टि अपनाने से सुखी होगा। न बर्तन की जरूरत, न अग्नि की जरूरत, न शक्कर की जरूरत, सीधा जाकर के वो बच्चा गाय के स्तन से लग करके दूध पी लेता, काव की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम्हें न गुरु की जरूरत, न सास की जरूरत, कुछ नहीं जरूरत, लेकिन बन तो जाओ पहले। जल्दी बड़े होते हैं इंजेक्शन लग करके उनमें
उनका हाल क्या है? इंजेक्शन लग गए ना, रोटियां इतनी इतनी बड़ी हो गई, ये पेड़ इतने बड़े हो गए, ये फल इतने बड़े बड़े हो गए, उनका स्वाद क्या है ये बता? उनकी पौष्टिकता गुणवत्ता क्या है? ऐसे ही जो जल्दी से बड़े बन जाते हैं, बड़ा मान लेते हैं अपने को, बड़ों के रहते ही पहले ही बड़े हो गए, उनकी गुणवत्ता क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है देख लेना। जल्दी से बड़े बनने की कोशिश मत करना। कल हमने दृष्टांत दिया था ना, माँ कह रही है रो करके, पंडित जी आपको तो मालूम है जो लड़का के पिताजी ने 100 छोड़ गए थे, कैसे कैसे पाल के बड़ो करो, और अब जी हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, ये हमें गाली दी तो है। तो हमने कहा तुमने इसके सामने गाली दी होंगी, अपनी सास को दही हो चाहे अपने पड़ोसी को दही हो चाहे काऊ दही हो, हम क्या करें? तो बच्चे ने गाली सीखी कहां से? या कहीं से सीख करके आया होगा तो तुमने टोका नहीं होगा, ही में डाला होगा। सीखा कहां? उस संगति से बचाया नहीं होगा तुमने, लालन पालन अच्छी तरह से नहीं किया होगा बच्चे का। तुमने कहा भाई मोह में मत नाचो, पाल पोष के बड़ो करो, 25 वर्ष को हो गए तो 25 वर्ष में 25 वर्ष का हुआ है, 5 वर्ष में 25 वर्ष का नहीं कर दिया तुमने। और फिर छोटे पे वो मानता था, तुम्हारी गोद में गिरता था शरण में, तो अब फिर छोटा कर दे, जो बड़ा बना सकता छोटा भी तो कर सकता है, कर दे छोटा। भैया ना जोड़ के बड़ो होएगो और ना काट के छोटो होएगो, क्रम क्रम से बड़ा होगा और क्रम क्रम से छोटा, क्रम क्रम से ही तो बड़ा होगा। और जल्दी बड़ा करने की कोशिश करोगे तो हम तो चारों ओर देखते रहते हैं ये सारी व्यवस्थाओं, और बैठे बैठे स्वाध्याय करते रहते हैं। 7 महीने का जो बच्चा जन्मता है कमजोर होता है कि नहीं बता? पूरा टाइम चाहिए उसको। तुम जल्दी से बस अद्धो पद्धो पढ़ो लिखो और बस जल्दी से तुम निकल पड़े तब क्या होगा ये बता? होगा क्या? वहां जाओगे, अरे तुम्हारा प्रभाव उन पर पड़े बाद में, तुम उनसे जल्दी प्रभावित हो जाओगे। तुम जल्दी से उनसे प्रभावित हो जाओ, क्या बढ़िया ठाट है, क्या बढ़िया रूप है, क्या बढ़िया बोली है, क्या बढ़िया पैसा है, क्या बढ़िया बंगला है, क्या बढ़िया गाड़ी है, ये क्या बढ़िया मोबाइल, अरे पंडित जी आप ले लो, नहीं 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 भीतर जा रहे, हाँ ले आ। और वो बहुत बढ़िया था, आपको पता है, ये हमारी लायक नहीं है, ये हमारी लायक नहीं है। उस दिन करीब चर्चा लैपटॉप में सब कुछ इसमें भरा है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, ना ज्ञान है ना सुख है न क्षमता है न विवेक है, फिर क्या है? सब कुछ कर दियो, उसकी महिमा आती तुम्हें कलंक नहीं लगता, तुम्हारे हाथों में शोभता नहीं है, तुम्हारे हाथों में तो क्या कहें, जिनवाणी शोभाएगी, पीछे कमंडल शोभेंगे, हैं? और ये तो व्यवहार की प्रथम भूमिका की बातें हैं, बात में हाथ पे हाथ धरे होंगे तब सो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा तब सोएगा खाली हाथ, और वैसे भी खाली हाथ जाओगे, वैसे भी खाली हाथ जाओगे। जाने क्यों ज्यादा होशियारी समझ, अरे को इतो बड़ो सांस पड़े, को ककरे बटन दबाओ अपने सामने आएगा, आंखें खराब किसकी होंगी, ट्यूमर किसके होंगे, और तुम्हें देख करके लोग कैसे बिगड़ेंगे, होश है तुम्हें? तुम जिन शासन का प्रभाव करने गए कि तुम प्रभावित होने गए, हमें मालूम है जब टीवी चली थी 84 की बात है, शुरू में इधर गांव में आई, वहां पहले आ गई होगी, तो अब टीवी वालों ने सोचा है कि तो खरीदेंगे नहीं गांव वाले, तो उन्हें रामायण बम घुसा दी, और बस घर घर टीवी पहुंच गई, रामायण अरब हो गई, टीवी पहुंच गई,
लोग तुम्हारी कमजोरी जानते हैं, तुम्हारी श्रद्धा के दर पर उसके माध्यम से तुम्हें दे दिया। बता रामायण कहां गई? और टीवी घुर गई घर में, अब बिना टीवी के काम नहीं चलो। उनके सारे विज्ञापनों पर एक महिलाओं के चित्र आ गए, कलंक है, महिलाएं नहीं विरोध कर पा रही। चाहे काउ को विज्ञापन हो, उसी महिला का कोई संबंध भी नहीं, चित्र ऊपर महिला का छाप दिया, आदमी को लड़का को नहीं छाप सका। कितनी कंपनी छापती नहीं है, लड़की का भी छापती है, आदमी का भी छापती, लेकिन कहने का मतलब, और कोई महिला संगठन, महिला सांसद और महिला भी एक विरोध नहीं कर रही है। आदमी को विरोध करे, आदमी विरोध करे तो तुम यही देखा, तुम्हारी निगाह खराब है। तुम्हारी निगाह खराब है, बताओ क्या करे। होश नहीं है, हम कर क्या रहे, करने लायक क्या कहा। तुम्हें धर्म की रुचि है ना, तुम्हें फंसाने के लिए धर्म की बातें करेगा पहले, अब पीछे से फिर आ जाएगा अपने रास्ता। वो मनोरमा के पास राजकुमार की दूती पहुंची और क्या बोली, और क्या सुंदर रूप है, क्या बढ़िया, आ चंद्रमा का, पूर्णिमा का चांद है, फलाना, हम तो कर नहीं पाते, हम कहा जाने, मतलब तमाम प्रशंसा का नहीं और विधाटों की देखो कहा है, उल्टी है, ये बनिए घर में आ गए हैं, राजकुमार राज में होती, पटरानी बनी होती है, ठीक है। अब दो बातें कह दी, अब तीसरी अपनी छोड़ दी, अब कहा हो राजकुमार तो अभी भी तुम्हें चाहता और मैं तैयार हूँ, चलो तुम्हें मिला। प्रशंसा करने वालों से सावधान रहना, झूठी प्रशंसा करके तुम्हें चढ़ाने वाले लोग से बड़ा शत्रु कोई नहीं। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया व्याख्यान, बढ़िया शैली, अरे ठीक है, बढ़िया। गए काम से, कौन कह रहे है बढ़िया, ये भी तो देख ले, कौन कह रहे है, जिन्हें कुछ खबर ही नहीं सत्य की, सही गलत की कुछ खबर ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करें उसे प्रशंसनीय कहते हैं, शास्त्र जिसकी रचना, ज्ञानी जिसकी रचना करें वे शास्त्र होते हैं। ज्ञानी जिसे सही कहे वह सही है, ज्ञानी जिसे गलत कहे वह गलत है। ये अरहंत भगत मन आने तेजन विषय कसाने, भक्ति माने बहुत सोच ली, स्वाध्याय माने जे सोच लिया, और क्रिया माने शरीर की क्रियाओं को पकड़ दिया, ज्ञान माने छह उपशम इंद्रिय ज्ञान को पकड़ लिया, पढ़ाई लिखाई को पकड़ लिया, अब भीतर घुस भी कोई गुंजाइश नहीं, बस चढ़े। अपनी सुनाने हमें सुनना ही नहीं, तुम कह का रहे, जब आएंगे तो अपनी सुनाने के लिए आएंगे, अपनी मनवाने के लिए आएंगे, अपने दोषों का निराकरण करने के लिए, कहने के लिए विनम्रता से आएंगे। विचार ना, हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हमारे उत्थान क्यों नहीं हो पाता, हमारे चित्त में शांतता क्यों नहीं मिल रही, हमारे जीवन में सहजता क्यों नहीं आ पा रही, उन सबके ये मूल कारण है, मूल कारण है। आत्मानुभव पहले होगा,
कि पहले क्या होगा, निर्णय के बल पर आत्मा भी समझ में आएगा, आत्मा का हित भी समझ में आएगा, आत्मानुभव भी का स्वरूप भी समझ में आएगा, और नहीं तो फक्काटे को तुम आत्मानुभव मान लियो। सेकंड, सम्यक दर्शन की डिग्री बढ़ रही है, एबीएस चढ़ गई। अब कहूं से खबर में भी आए थे, 10-5 लोगों को सम्यक दर्शन की डिग्री बांट गई, जिन्होंने खासे खुशामद कर दी, ने कहा अपने श्वास वहा कर दी, बढ़िया बहुत धर्म मौसम बस हो गई। सम्यक दृष्टि की उपाधि होती है, सम्यक दृष्टि की जो समाज स्वरूप है सम्यक दर्शन। कई जगह सम्यक दर्शन की डिग्रियां बढ़ रही है, धर्मात्मा की डिग्रियां बढ़ रही है, दानवीर की डिग्रियां बढ़, ये नकली डिग्री है यूनिवर्सिटी की बढ़ने वाली तमाम इकट्ठे हो जाते, असली डिग्री के लिए तो भैया 5 साल पढ़ने पड़े, वो परीक्षा देने पड़ेगी, तब यूनिवर्सिटी से आकर डिग्री मिलेगी। आगे ज्ञानाभ्यास करो, तत्व विचार करो, फिर ये समझो का कहो हम। ऐसे ही सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसे ही सम्यक ज्ञानी हो जाए, ऐसे ही धर्म हो जाए, चारित्र हो जाए, फिर का पूछो, फिर का को चीज जिनवानी, शास्त्र का को लिखे। तुम्हें देख के आज हम जो बातें थोड़ी कह रहे, हम तो रोज कहते यही बातें कहते, हमेशा कह रहे। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, कल की भाषा बता या परसों की बता, हम भूल गए हो तो परसों कही हो। देखो भाई, मन न लगे तो अभी लगा, औषधि कड़वी है अच्छी नहीं लग रही, अरे दवाई कहूं अच्छी लग रही, आंख बंद करके पिया, ऐसे विषय कथायों की रुचि के कारण से तुझे ये ज्ञान पर वैराग्य प्रधान उपदेश सुहाता नहीं है, रुचता नहीं है, किसी को कठिन लगता है, किसी को स्थूल लगता है, किसी को व्यवहार लगता है, किसी को हे लगता है, ये नहीं लगता है, ये हमारा इसमें हमारा हित है। ओ तुम बड़े सूक्ष्म वाले हो गए ना, तुम्हारा उपयोग सूक्ष्म हो गया, तुम्हारा स्थूल तो उपयोग तो स्थूल विषयों में जाता है, और ये कह रहे स्थूल है ये व्यवहार। जाने कितनी पढ़ाई उल्टी पड़ गई, सीधा होना मुश्किल हो रहा। वो तो व्यवहार है, वो तो ये है, वो तो क्रियाकांड है, वो तो अनंत वार किया, जिनवाणी अनंत निश्चय पक्ष नहीं किया, अनंत वार स्वच्छंद ही नहीं हुआ, अनंत वार विषय भोग नहीं भोगे, अनंत वार मन प्रतिष्ठा अनंत वार नहीं मिली तुझे, नहीं बे अनंतवार नहीं मिली, खाली पूजा अनंतवार करी, जनवाणी स्वाध्याय अनंतवार किया, ये तो अनंतवार किया व्यवहार, और ये तुम्हारे पापाचार अनंतवार नहीं किया होगा, वो आप आज पहली जब है तो देख तो नहीं, सोचो तो सही, समझो तो सही है, ऐसे कहें जी तो अनंतवार कह, जैसे कोई और जानते ही नहीं हो अनंतवार करे, ये तो अनंतवार किया। अनंत बार किया सो क्या हुआ, फिर करना होगा, जब रोटी बनाने तब चूल्हो जलाने के, चूल्हो तो सवेरे चाय बनाए के लिए जलाओ, पानी गर्म करे के लिए सवेरे चूल्हो जलाओ, जलो है बात है, हमें कोई मतलब नहीं, रोटी बनाने चूल्हो जलाओ, बुध जलाने पड़े, पढ़ लो इसी समाचार में पढ़ा था ना, व्यवहार मार्ग के बाद परमार्थ मार्ग आया था, समझ में नहीं आता तो समझदारों की मान लेना चाहिए, बिल्कुल बिना मीन मेक के, बिना तर्क उतर के, इसी में अपना हित है, लेकिन समझ में आता नहीं है और समझाते हैं, समझाने का ठेका दे ही रखा है, तो फिर अब क्या करेंगे,
विषयों से निर्णय के बल पर विरक्त आती तब तो यहाँ बैठे, तब तो यहाँ भगवान के पास आएंगे। और विषयों में सुख की तो कहाँ मन लगेगा, मन नहीं लगेगा। रावण का सीता में चित्त चला गया तो विचार करो, फिर धर्म ज्ञान में कहाँ मन लग रहा था, राजकाज में कहाँ मन लग रहा था, लौकिक में अध्यापक कह रहे ठेलबे में मन है तो वहां पढ़ाई में मन लगे। वो कहा ठीक है तुम्हें दिख रही दुकान, हम तो दुकान में बैठ रहे, हमें क्या करने, तो तुम्हारे पढ़ाई में मन लगे वो कहा। अरे दुकान पे बैठने तब बैठने भैया, बिना पढ़े लिखे बेटा दुकानों नहीं कर पाओगे, दुकान कैसे करोगे। मन तो एक है, दो तो है नहीं। जब मन तुम्हारा विषयों में भ्रमता रहता है 24 घंटे तो यहां मन कैसे लगेगा। तो अब ये तो वश स्थिति हो गई, अब यहां लगाओ लगाओ। और स्थितिकरण करने वाला ही धर्मात्मा होता है। दूसरे का भी स्थितिकरण, जो तुम्हारे परिणाम का स्थितिकरण करे सो धर्मात्मा है। जो तुम्हारे परिणाम को पहले ही चिगरा हो और फिर भी और चिगरा दे, ठीक है बात तो सही है, अब नहीं मन लगा तो क्या करे, समझ लो धर्मात्मा नहीं है, तुम्हारा शत्रु है, मित्र नहीं है। सम्यक मित्र होता है, सम्यक्ति मित्र होता है, ज्ञान मित्र होता है, ज्ञानी मित्र होता है, वितरागता मित्र होती है, वितराग भी मित्र होते हैं। और उपचार क्या होगा बताओ, दर्शन मिले फिर उपचार में दृष्टि की बने, ज्ञान मिले तो फिर ज्ञानी की बने, चारित्र बने तो चारित्रवान की बने, यही तो उपचार है। व्यवहारी जीवों को व्यवहारी शरण है। पंडित जयचंद जी जिन्होंने जिनकी टीका लिखी उन्होंने ही लिखा तो बोलेंगे कूद के छत पर चढ़न चाहते, क्रम क्रम से चढ़ा, क्रम से चढ़ो, कूद के नहीं चलो। ठीक है कोई पहलवान कूद के पहुंच जाए तो पहुंच जाए, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन राजमार्ग नहीं है, बीच में गिरेगा, हाथ पांव टूटेंगे। प्रसाद से दीपाय पढ़ लेना, मुख्य उपचार विवरण निरस्त, प्रवर्तन ते जगत तीर्थम, इसका टीका पढ़ लेना। अनुभव होगा तब अंतर की वासना मर जाएगी, उत्पन्न ही नहीं। लेकिन स्वानुभव का पात्र कैसे बन पाएगा, जिसको भी हो आओ पहले तुम्हें ही निबट लें, आओ तुम्हें ही निबट लें पहले, मंदिर बाद में जाएंगे, तुम बताओ पहले, तुम बोलो क्या। बच्चा रोने लगा पहले जा दूध दे तब जाओ, और नहीं तो वो मंदिर में चलो जाओ पहुंच जाओ वो तुम्हें पूजा नहीं करने देखो, बताओ बोलो लोग व्यवहार में ऐसा करते हैं कि नहीं। व्यवहार के वो ट्यूशन के बच्चे आ गया और वो हैरान करेगा बड़बड़ाएगा, फिर तुम पूजा करके आओगे तो तुम्हारी तुम बाकू नाश्ता पहले कर दे, वो धरो तुम आके नाश्ता कर दियो, खत्म मामला हो गया। अब अपने शांति जाकर पूजा, इसका अर्थ उल्टा मत लेना कि सबरे काम ने उठाया तो 11 बजे मंदिर आओ। लेकिन जो नहीं निवट रहा है उसको पहले निवटाना ही पड़ेगा, उपाय क्या। तो पहले तो अब तुम्हें बेर बेर विषयों के विकल्प आते हैं, घर के विकल्प आते हैं, पैसा के विकल्प आते हैं, व्यापार के विकल्प आते हैं, चलो पहले तुम ही निवट ले। बोलो भाई घर का है, का है? बोलो घर का है। तीर्थंकर का तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं थी, घर उन्होंने छोड़ा है, हम उनके पुजारी हैं जिन्होंने घर छोड़ा है, जिन्होंने घर बनाया और घर बताया उनके पुजारी नहीं है। विषयों में सुख है तो ये बता, पुष्प डाल से बार चरण ने क्या कहा था बता, और तुम देख ले पूछ ले विषयों में प्रवृत्ति, जिन विषयों को प्राप्त करके तुम सुखी होना चाहते हो वे विषय जिनके पास हैं
और जो उन विषयों में लीन है उनसे पूछ लो। जिन्हें मानता सुख निदान तू पूछ उन्हीं से मन की बात, उनसे ही पूछ ले कार्रवाई बतावा पूछ ले भैया तुम बता। क्यों कवियों ने लिखा है वो गिर गए थे बाबा जी कुआ में, माली ने निकाला जल से, बोले भैया तुम को कि हम तो महाराज हमन ग्रस्त आदमी, ये ग्रस्त हो कितने दिन हो गए तुम्हें ग्रस्ती में, क्या हमें हो गए 30 वर्ष, 20 वर्ष हो गए, हम तो सपने में ग्रस्त बने सुकुआ में गिर गए, तुम बच कैसे गए, आखिर क्यों ऐसा कहा, क्यों कहा बता, सोचो समझो विचार करो। जो विकल्प आते हैं पहले उन्हें निपटा लो, लेकिन निपटाइयो शांति से, आप तुम्हें निपटने लड़न मत लगियो, नहीं तो कुटोगे पिटोगे। लौकिक में कहते आप तुम्हें से पहले निपट ले, तुम्हें निपटा कुटोगे और तुम अकल से निपटाइयो, अकल से विवेक से शांति से, ठंडे से गर्म कटेगा गर्म से ठंडा नहीं काटने की कोशिश करो, स्वभाव से विवाह मिटेगा विवाह से विवाह मिटने की कोशिश मत करो। और फिर संग ले लो ना देवसास गुरु को, अब निपटो आप विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ